बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत सख्त फैसला जो कि शाम 6:45 पर सुनाया जाना था, आखिरकार रात 8:50 पर सुना दिया गया। इस वीडियो में हम आपको इस फैसले के 5 अहम नकात बताएंगे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी की 23 जुलाई की दी गई रूलिंग कलदम करार दे दी है। इस रूलिंग के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट को डिसअकाउंट किया था और हमजा शहबाज को कम वोट लेने पर भी वजीर आला पंजाब करार दिया था। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को हुक्म दिया कि उनका लिया गया हलफ गलत था और वो फौरन वजीर आला ऑफिस खाली कर दें और अपने घर जाएं। याद रहे कि आज से पहले इतना संगीन ऑर्डर कभी किसी सियासी लीडर को नहीं दिया गया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के खिलाफ हमजा शहबाज ने इतवार के रोज 60 से ज़ायद वज़रा का हलफ लिया था और अपनी काबीना बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम वज़रा को भी घर जाने और अपने ऑफिसेज खाली करने का हुक्म दिया है। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का हुक्म दिया कि वो आज रात 11 बजे से पहले हर हाल में परवेज़ इलाही का चीफ मिनिस्टर पंजाब होने का नोटिफिकेशन जारी करें। नंबर 5, गवर्नर पंजाब को ये भी हुक्म दिया गया कि रात 11:30 बजे से पहले परवेज़ इलाही से हलफ लें। अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो सदर पाकिस्तान आज ही परवेज़ इलाही से हलफ लें और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही होंगे। बहुत शुक्रिया। अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।